हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस स्टडी सेंटर में। और इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से आज की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इग्नू ने फाइनल डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है। तो दिसंबर 2019 के एग्जामिनेशन के लिए डेट शीट आ चुकी है। हालांकि इससे पहले भी दो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ की गई थी, लेकिन टेंटेटिव डेट शीट का मतलब ही यही होता है कि उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है। और फेरबदल के बाद आज फाइनली इग्नू की तरफ से फाइनल डेट शीट को रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी अपना अभी तक डेट शीट नहीं देखा या डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको इन सारी डेट शीट की लिस्ट में से अपनी डेट शीट्स कैसे सर्च करनी है, क्योंकि आप जब डाउनलोड करते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें हम अपना डेट शीट या सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट कैसे देखें, क्योंकि ये एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है और उसमें एक एक करके यदि आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे ढूंढ पाना मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेट शीट को। फ्रेंड्स, अब आप अपने स्क्रीन पे ये इग्नू की फाइनल डेट शीट को देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हेडिंग देखिए आप, डेट शीट फॉर दिसंबर 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है और ये अपडेट किया गया है 1 नवंबर 2019 को, ठीक है। तो ये आपका फाइनल डेट शीट है। यहाँ आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे डेट वाइज जो है सभी कोड्स लिखे हुए हैं एग्जामिनेशंस के, जिन स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट है वो यहाँ सर्च कर पाएंगे। और देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखा हुआ है, देन उसके बाद शिफ्ट लिखी हुई है कि मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है। और इम्पॉर्टेंट सूचना ये कि अब आपको इन लिस्ट में से अपना डेट शीट, अपनी डेट कैसे देखनी है कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है, उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर आप देखिए एक सर्च का बटन दिया गया है। इस सर्च बार पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। सपोज़ कीजिए आप MA पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना यहाँ फर्स्ट एग्जामिनेशन कोड यानी सब्जेक्ट कोड को पेस्ट करेंगे। यहाँ आप टाइप करेंगे सिंपली MPS 001। तो MPS 001 टाइप करने के बाद यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक ऑरेंज मार्क दिखाई दे रहा होगा। तो ये ऑरेंज मार्क इंडिकेट कर रहा है कि आपका MPS 001 का एग्ज़ाम 2/12/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में होना है, ठीक है। तो ये MPS 001 है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, किसी और कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपना यहाँ सब्जेक्ट कोड जो है टाइप करेंगे। सब्जेक्ट कोड टाइप करने के बाद आपको ये ब्लिंक करके दिखाएगा ऑरेंज मार्क के साथ। आपको एक और सर्च करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए MPS 2 का चेक करना है आपको, तो MPS 002 आप सर्च करेंगे। देन उसके बाद भी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि MPS 002 का आपका एग्जामिनेशन 4 तारीख को होना है, ठीक है। 4 दिसंबर 2019 को MPS 002 का आपका एग्ज़ाम होना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपकी कोई और भी क्वायरीज हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।